साल के अंत में झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में सारी पॉलिटिकल पार्टियां सरकार बनाने का जादुई आंकड़ा हासिल करने के लक्ष्य के पीछे पूरी शिद्दत से लग चुकी हैं। सारे गुणागणित देखते हुए गठबंधनों के नए पुराने फॉर्मूले भी सामने आने लगे हैं। फिलहाल सत्ताधारी इंडिया ब्लॉक से अधिक सक्रियता विपक्ष में बैठे एनडीए फोल्डर में नजर आ रही है। 2014 में साथ मिलकर राज्य में विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले भाजपा और आजसू की दोस्ती में 2019 वाला ब्रेकअप बड़ा नुकसान लेकर आया था। इस बार पुरानी गलती को दोहराने का जोखिम एनडीए नहीं लेगा। पुराने नुकसान से सबक लेकर दोनों ही पार्टियों ने अब की बार साथ चलने का फैसला किया है। वहीं एनडीए में बिहार के सीएम नीतीश की पार्टी जेडीयू के जरिए सरयू राय की एंट्री की भी चर्चा है। आपको याद दिला दें कि इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में आजसू ने एनडीए फोल्डर के तहत ही चुनाव लड़ा। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी सभी 81 सीटों पर भाजपा के साथ ही चुनाव लड़ेगी। सुदेश महतो ने कहा कि सीट शेयरिंग से ज्यादा मायने एकजुटता रखती है। जानकारों का मानना है कि आजसू के साथ आने से एनडीए मजबूत होगा, लेकिन सवाल ये है कि सुदेश महतो क्या सिर्फ सत्ता तक पहुंचने का लक्ष्य लेकर एनडीए के साथ चुनाव लड़ने की मंशा से आगे बढ़ रहे हैं या फिर आजसू पार्टी के एजेंडों को लेकर भी बीजेपी से उनकी बात हो गई है। दरअसल 2014 के बाद 2024 में एक बार फिर से दोनों पार्टियां गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में उतरने वाली हैं। ऐसे में कुछ अहम बिंदु हैं जिन पर बीजेपी और आजसू को पहले अपना स्टैंड क्लियर कर लेना चाहिए या फिर आपसी सहमति बनाने की कवायद होनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि आजसू और भाजपा की लाइन में टकराव कहां कहां पर है। क्या आजसू 1985 की नीति के साथ जाएगी और क्या बीजेपी 1932 के खतियान को स्वीकार करेगी। बता दें कि आजसू स्थानीयता पर जोर देती है, मूलवासी पर जोर देती है, वहीं बीजेपी ने स्थानीयता बिल केंद्र से पास नहीं किया, सरना कोड भी नहीं पास किया गया है। ओबीसी आरक्षण आजसू का बड़ा मुद्दा रहा है। ऐसे में बीजेपी से सुदेश महतो को क्लियर कर लेना चाहिए कि पिछड़े जाति को 27% आरक्षण के लिए उनके पास कानून का कौन सा प्रावधान है और इस पर बीजेपी की क्या राय है। आजसू का सीएए और एनआरसी पर क्या स्टैंड है। सबको पता है कि सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर भाजपा कितना मुखर होकर बोलती आई है। प्रदेश में बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी बनाए गए हिमंता बिस्वा सरमा सत्ता में आने पर झारखंड में इसको लागू करने की घोषणा तक कर चुके हैं। वहीं आजसू इस मुद्दे पर बोलने से कतराती आई है। चौथा, क्या आजसू भोजपुरी, मगही, अंगिका, मैथिली आदि भाषाओं के साथ है। जातीय जनगणना पर आजसू और बीजेपी यानी एनडीए का स्टैंड क्या होगा। आजसू बिहार की तरह राज्य में भी जातीय जनगणना की मांग कर चुकी है। सुदेश महतो ने हेमंत सरकार को ओबीसी के आरक्षण की सीमा बढ़ाने से पहले जातीय जनगणना कराने का सुझाव भी दिया था। कुर्मी को आदिवासी बनाए जाने के मामले में बीजेपी सहमत है, अन्यथा फिर जनता के साथ धोखा होने की प्रबल संभावना है, क्योंकि पहले भी आजसू सभी मुद्दों पर विरोध और समर्थन दोनों करती रही है, तो थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ जाता है। विशेष राज्य का दर्जा। आजसू 2013-14 के आसपास विशेष राज्य के दर्जे की मांग जोर शोर से उठाया करती थी। 2014 से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। 2014 से 2019 तक राज्य में भी भाजपा का शासन रहा। आजसू सरकार में भागीदार रही, लेकिन विशेष राज्य के दर्जे की मांग किनारे लगती चली गई। बता दें कि झारखंड में आजसू बीजेपी की पुरानी सहयोगी है। 2014 में बीजेपी आजसू मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ी थी। झारखंड में 2019 में भाजपा और आजसू का गठबंधन टूट गया था। विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं हो पाया था, कुछ सीटों को लेकर पेच फंस गया था। आजसू पार्टी 45 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसकी वजह से भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। इस बार दोनों ही दल साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर सहमत है। ऐसे में सवाल एक ही है कि गठबंधन का उद्देश्य क्या सत्ता पाना है या फिर आजसू और भाजपा के अलग अलग मुद्दों पर एक राय भी बनाई जा रही है। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.
www.thefollowup.in.